हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप आई थिंक आप सब लोग लॉकडाउन में फंसे हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक बहुत बड़ी आपदा हम लोग के बीच आ चुकी है। बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि हमें बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स वगैरह आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, और हम लोग भी इस लॉकडाउन के टाइम को अच्छे से यूज करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि इस वक्त एक ऐसा सिचुएशन है कि किसी भी चीज़ का एक फिक्स्ड डेट या फिर कोई एक करेक्ट कमिटमेंट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे बच्चे इस वक्त बहुत असमंजस में फंसे हुए हैं कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरने हैं, हम लोग के क्लासेस चलेंगे कि नहीं चलेंगे। बहुत से बच्चों की क्वेरी आई कि मतलब एग्ज़ाम कैसे होंगे, एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, एग्ज़ाम होंगे कि भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आए कि जो नर्सरी से लेकर 8 तक 9 तक देन 11, इन लोगों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा इनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखकर। तो क्या ऐसे ही इस तरह की सुविधा उनको मिलेगी क्या? इन लोग ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 1 महीने तक क्लासेस चलेगी, इनके कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे? और भी इनके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इन पर बनाना चाहिए ताकि जो भी बच्चे हैं परेशान ना हो। और बीच बीच में मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपके जो भी क्वेरी हो आप उसको फुलफ़िल कर सकें, आप अपने क्वेरी का आंसर पा सकें। एक काम कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग कभी भी लाइव आकर हम लोग आपसे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो ये यूनिवर्सल लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी तक। फिलहाल आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो हम सबको इस पर कॉपरेट करना है। प्लस ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ये आप लोग गलत फहमी मत रहिए कि आप लोग कोई प्रमोट कर दिया जाएगा। जितने भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, ठीक है, BCA BBA जितने भी हैं, इन सारों का एग्ज़ाम होगा। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, चाहे वो AKTU से रिलेटेड आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप या फिर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो आपकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फॉर्म को, एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर वाइज, तो आप उसको जल्द से जल्द फिल कर लें। अब रही बात कि साइबर वगैरह खुला नहीं है, सिंपल सी बात है, तो इसके लिए डेट भी एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है, डेट भी इस पर एक्सटेंड किया गया है। मैंने बहुत से बच्चों को सर्कुलर भी भेजा है, ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन आते हैं तो हम उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सब तक पहुंच जाए। मोस्टली जितने भी ऐसे न्यूज आ रहे हैं वो न्यूज़पेपर में ज़रूर आ रहे हैं, तो आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। आपका जितने भी प्रोफेसर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने वीडियो को वेबसाइट पर डालने का, कंटेंट को डालने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें सफिशियंट हैं आज के समय में, ठीक है। आपके पास अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट नेट पे पड़े हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे विकिपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया है, मतलब पूरे भंडार है। बट आपकी ये कमी है कि आप उसको यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप उन सारे वीडियो को देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं उनको देखिए, ना समझ में आए आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के जो भी हेड हैं या फिर जो रिस्पेक्टेड फैकल्टी हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे लोग जूम से क्लासेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जूम, ये हमारे गृह मंत्रालय ने भी उसको मतलब सही नहीं माना है, वो डाटा प्राइवेसी और हैकिंग की कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिले हैं, तो कई कंट्रियों ने इस पर बैन लगाने की बात कही है। तो ये जूम हमारे ख्याल से सही नहीं रहेगा। प्लस हम कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी ये इंटरेक्ट होना ये पॉसिबल नहीं है कि एक छोटे से ऐप्स के थ्रू हम लोग बहुत सारे लोग मोबाइल पर ही इंटरेक्ट करके क्लास कर लें, ठीक है। तो ये सिर्फ कहने मात्र का है। आज के समय में जितने भी आजकल सेमिनार वगैरह भी हो रहे हैं वो सब वेबिनार के रूप में हो रहे हैं, मतलब ऑनलाइन हो रहे हैं, सारे लोग घर से बैठ के अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ कहीं पे भी हैं, आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके पास नहीं है, सिस्टर के पास है, ब्रदर के पास है, पापा के पास है, मम्मी का है, तो आप उनका उनके मोबाइल को कुछ समय के लिए लेकर एक्सेस करें। जो भी आपके सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि हाँ इसमें मुझे समय देने की ज़रूरत है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। आप यह मत सोचें, आप कभी टीचर के भरोसे मत रहें या कॉलेज के भरोसे ना रहें, क्योंकि कॉलेज भी आपके भरोसे बैठा हुआ है, क्योंकि वो भी उम्मीद कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा कभी मत सोचें कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप अभी से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अब डिसाइड हुआ था, अभी बहुत सारे कुलपतियों को बुलाकर मीटिंग किया गया था, तो उसमें यह डिसाइड किया गया था कि भाई आप जो भी हम लोग को एग्जाम लेना है वो जल्द से जल्द लेना है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है 20 से 25 दिन के बाद हम लोग का एग्जामिनेशन मोस्टली स्टार्ट हो जाएगा। सपोज अभी तो डेट आया है 3 मई तक लॉकडाउन रहने का, अगर सपोज भगवान ना करे जिस हिसाब से यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, वाराणसी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो मे बी कि ये लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि केसेस की अगर हम बात करें तो करीब 15,000 के पार हो गए हैं, और बनारस में भी करीब 15 करीब आसपास हो गए हैं, उसमें से कुछ का सही हुआ है और
9 अभी आइसोलेशन में हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो इसमें भी बहुत सारे एरिया को सील किया गया है। तो आप खुद सोचिए कि पॉसिबल नहीं, अगर कॉलेज खुलता भी है तो पॉसिबल नहीं होगा कि सारे बच्चों को एक जगह करके क्लासेस देना, चूंकि हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। और एक कहावत कहा गया है कि जान है तो जहान है, तो बच्चों मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घर पर बैठ के यूट्यूब के माध्यम से अपना पढ़ाई करें, और भी कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो आप अपने कंसर्न फैकल्टी से संपर्क कर लें। आप सभी बच्चे अपने घर पर बैठ के एग्जामिनेशन फॉर्म एटलीस्ट भर लें, ठीक है? जैसे ही कहीं आपको माध्यम मिलता है, जैसे ही कहीं साइबर खुलता है, इन केस हो सकता है कि कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आए, तो आप जाके वहाँ से प्रिंट कर लें, और कोई भी ऐसा अगला आपको नोटिस भेजा जाएगा, जैसे आपको लगेगा ही कि हाँ अगर कॉलेज वगैरह खुलना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जाके वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी के साथ मास्क लगाकर और सैनिटाइजेशन वगैरह के साथ वहाँ पे एंट्री आपको मिलेगी। अब बता दूं कि अगर आपके पास मास्क नहीं है, मास्क वगैरह नहीं है, तो आप घर पे बैठ के बना भी सकते हैं, क्योंकि जब भी कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे तो ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आपके पास मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजेशन भी गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको अपने पास ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भरा है। इस बार कुछ स्पेशल उसमें था कि NAD ID मांगा जाता था, नेशनल एकेडमिक, तो उसमें क्या था कि आपके जो डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह भी ये बन के आएंगे तो उसी में आएंगे। तो NAD ID बच्चों को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि बहुतों ने तो जनरेट कर लिया। उसमें क्या था कि आपको आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन होना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो मेंशन थे, उस पर OTP गए, उसको वेरीफाइड कर दिया, उनके पास NAD ID जनरेट हो गया और वो फॉर्म फुलफिल कर लिए। लेकिन जो बच्चे हैं जिनका मोबाइल नंबर अटैच नहीं है, आधार में अपना ईमेल आईडी अटैच नहीं है, तो ये लोग अपडेट करा लें, क्योंकि अभी सारे पोस्ट ऑफिस वगैरह भी बंद चल रहे हैं और इनके भी खुलने के बाद चल रही है, अगर जैसे ही खुलता है तो आप करा लें। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि हाँ अभी तो ये सब जितने भी डाक ये है पोस्ट ऑफिस है या जहाँ पे ये आधार का वर्क चल रहा है अपडेशन का, इसमें भी बहुत समय लग सकता है, लेकिन आपका एग्जाम फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। इससे रिगार्डिंग अगर फॉर्म के रिगार्डिंग भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है NAD ID जनरेट करने से रिगार्डिंग, तो इसका भी यूनिवर्सिटी ने कुछ प्रावधान बनाया ही है। इसके लिए आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से संपर्क कर लीजिए, ठीक है? जो भी आपके ऑफिस में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं, आप उनसे संपर्क करके फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि 3 कॉपी होते हैं इसके, आप इसको भर के अपने पास रख लीजिए, जैसे ही कॉलेज खुलेगा आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। घर पे बैठ के तैयारी कीजिए, एग्जामिनेशन आपके होंगे ही, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप घर पे बैठ के तैयारी कीजिए, आप जहाँ पे भी हैं, घर पे हैं, हॉस्टल में हैं, बैठ के तैयारी कीजिए। और मैं बता दूं कि जो ये एग्जामिनेशन का शेड्यूल ये लोग बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन कवर कराने का, तो जो गैप हो है वो गैप आपको बहुत कम मिलेगा। जैसे 2 दिन का गैप मिल जाता था, तो हो सकता है 1 दिन का गैप मिले, हो सकता है गैप ना भी मिले, मैं बता दे रहा हूँ गैप नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम होते थे, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट। तो अब क्या है कि अब इसको 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराकर जो हमारा ये सेशन है उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश किया जाएगा। अभी तो ऐसा विचार विमर्श चल रहा है कि एग्जामिनेशन को 2-2 घंटे का करके, मतलब कुछ क्वेश्चन को हम लोग कम करके 2-2 घंटे करके उसको हम लोग 3 शिफ्ट में करेंगे। बहुत सारे जो भी वाइस चांसलर हैं उनके साथ यही मीटिंग हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपदा है और हम सब जान रहे हैं कि एक मतलब अनफॉर्गेटेबल ऐसा ये समय चल रहा है कि जिसको कभी भूला नहीं जा सकता फ्यूचर में। तो हम सब लोग जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा। और बच्चों आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि सर क्लासेस नहीं चल पाई या फिर कि कैसे हम लोग एग्जाम लें, थोड़ा सा तो आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा, ठीक है? जितना आप लोग को पढ़ाया गया है उतना तो अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी जो भी कंटेंट है आप घर पे अपने भाइयों से बहनों से या फिर यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम है आपको पढ़ने के लिए, वहाँ से पढ़िए। घर पे अच्छे अच्छे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जान है तो जहान है। इंटरनेट तो सभी लोग यूज कर रहे हैं और मोस्टली सारे बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल भी तो यूज करते ही हैं। और भी अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर और भी किसी अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, आप लोग न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते रहिए। और भी अगर कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि आप बहुत सारे जो रूमर्स उड़ रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। और एक ऐप्स है, आरोग्य सेतु ऐप्स है, इस पे क्या हो रहा है कि इस पे जो भी वो डेटा आपसे मांग रहे हैं, आरोग्य सेतु, सभी लोग अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए, मे बी कि इन फ्यूचर उसको एज अ पास के रूप में यूज किया जा सके। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसमें हो सकता है उसमें आपको आप वो देखें कि हाँ भाई आप कहीं कहीं ना कहीं आपके पास इसमें सिम्टोम्स तो नहीं है, मतलब कोई भी अगर आपके पास लक्षण दिख रहे हैं जैसे खांसी के, सर्दी के, जुकाम के, जो भी आप उसमें मेंशन करेंगे, तो उसी बिहाफ पे उसको एज अ पास के रूप में भी आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप डालते हैं वो आपके लिए हार्मफुल होगा, आपके परिवार के लिए हार्मफुल होगा। जैसा भी उसमें आप उसको इंस्टॉल करेंगे वो OTP मांगेगा, प्लस आपको ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोलेगा।
और सभी यूनिवर्सिटियों को आदेश दिया गया है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आरोग्य सेतु ऐप्स डाउनलोड करवाएं। आप भी बच्चों अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, प्लस पापा और मम्मी के मोबाइल में भी आप आरोग्य सेतु ऐप्स जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लोकेशन उनका ऑन रखिएगा ताकि जो भी आसपास के जो भी अगर कोरोना पॉजिटिव ऐसे पाए जाते हैं तो तुरंत ट्रेस होकर वो वहाँ पे लाइट के थ्रू सिग्नल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए जो लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में वो पास के रूप में उसको कैसे यूज कर पाएंगे, इस पर भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं दिया है। जैसे डिसीजन आएगा इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ये सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल रखते हो वो अपने में ऐप्स को डाउनलोड कर सके। तो गवर्नमेंट का एक प्रयास है और हम जानते हैं कि भाई डेटा बहुत सारे लोग फेक करते हैं, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और आप लोग भी घर पर रहिए, निकलिए की कोशिश मत।